नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। बड़नगर के समीप ग्राम पिपलू में मृतक दीपक जादव नामक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बवंडर आने के कारण 11 केवी बिजली का तार टूटने से युवक को करंट लगा। उसके तत्काल बाद युवक को शासकीय अस्पताल बड़नगर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों द्वारा युवक को बड़नगर स्थित द बॉक्स सिनेमा घर के सामने गड्ढा खोदकर लगभग 4 फीट लंबा चौड़ा गड्ढा कर युवक को उसमें गाड़ दिया गया और नमक और पानी का छिड़काव भी किया गया। मृतक युवक का केवल सिर बाहर रखा था, बाकी पूरा शरीर परिजनों द्वारा गाड़ दिया गया। अंधविश्वास का खेल लगभग 1 से 2 घंटे तक चलता था। जबकि सूचना बड़नगर पुलिस को मिली तो बड़नगर पुलिस द्वारा मृतक युवक को गड्ढे से बाहर निकाला गया। उसके बाद पीएम के लिए युवक को स्थानीय शासकीय अस्पताल में भेज दिया गया। आज भी अंधविश्वास का खेल ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि आज से 4 दशक पहले भी एक युवक को करंट लगा था। गड्ढे में गिरने के बाद युवक जीवित हो गया था, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। इसे अंधविश्वास कहा जा सकता। 22 साल का मृतक है यादव समाज का दीपक पिता जगदीश चंद्र यादव, उनकी एक्सीडेंटली कल करंट लगने से डेथ हुई थी। उसके बाद आज पीएम हुआ है। सर, ऐसा बताया जाता है उन्हें कहीं गाड़ा गया था? हाँ, ये जानकारी में आया था हम लोगों को कि उसके पिताजी और परिवार वालों की इच्छा थी कि कहीं उसको मिट्टी में लगाने रखने से और करंट से वापस हो जाती है डेड बॉडी, मतलब जिंदा हो जाता है। तो हमें सूचना मिली थी तो हम लोगों ने जाकर उनको समझाइश दी और उसके बाद उसको मिट्टी से निकलवा के। बड़नगर से नितिन पंड्या की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।